लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास नीतीश कुमार कर रहे हैं। पुलिस या डंडा सर पर नहीं होता है, उनको ये पुलिस मैनुअल में समझाया जाता है कि अपराधी भी हो तो उसके घुटने के नीचे चलाना है। हमारे सभी नेताओं को सर पे लाठी चलाने का काम किया। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी इस वक्त हमारे साथ है, फतुहा पहुंचे थे, नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। सर, जिस तरीके से कल लाठियां बरसाई गई बर्बरतापूर्वक, क्या कहेंगे, क्या षड्यंत्र के तहत कार्रवाई की गई? लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र शर्मसार हुआ, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास नीतीश कुमार कर रहे हैं। फुटेज जो पुलिस की तरफ से दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रदर्शन में वो गए ही नहीं थे, अब तो इंजरी भी आ गया, अब तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ गया, सारी चीज खुलासे हो गए। षड्यंत्र के तहत क्या कार्रवाई की गई थी सम्राट चौधरी जी, एक षड्यंत्र रचा गया? पूरा पुलिस या डंडा सर पर नहीं होता है, उनको ये पुलिस मैनुअल में समझाया जाता है कि अपराधी भी हो तो उसके घुटने के नीचे चलाना है। हमारे सभी नेताओं को सर पे लाठी चलाने का काम किया है। विधायकों और सांसदों पर भी लाठियां चली, एकदम विशेषाधिकार लाया गया विधानसभा में, अब उस पर कार्रवाई करेंगे। सदन में भी जब आप लोग आवाज उठा रहे थे सम्राट चौधरी जी, तो मार्शल द्वारा जिस तरीके से विधायकों को उठाकर और बाहर लाया गया, कैसे इसे देखते हैं क्या? देखिए, लोकतंत्र की हत्या इसी को कहते हैं। और जनता सब कुछ देखती है। 2024 और 25 में जनता सबक सिखाएगी। आगे का रणनीति क्या है बीजेपी का, क्या राज्यपाल से मिलेंगे? एकदम आपने सुना, सम्राट चौधरी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि एक बड़ा षड्यंत्र जो है वो रचा गया और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई वो एक षड्यंत्र का हिस्सा था। और पुलिस प्रशासन की तरफ से जो फुटेज दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है, मगर बीजेपी के जो नेता हैं वो झुकने वाले नहीं हैं और राज्यपाल से भी मिलेंगे, ज्ञापन भी सौंपेंगे। और जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, कहीं ना कहीं कई सवाल जो है वो उठ रहे हैं। और साफ तौर पर सम्राट चौधरी को आपने सुना कि लोकतंत्र की हत्या की गई है, जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई, एक अगर बल प्रयोग भी पुलिस को करना था तो सर के नीचे वार करनी चाहिए थी, यानी कि लाठियां बरसाई जानी चाहिए थी, मगर सरों पर लाठियां बरसाना, ये साफ जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र जो है वो सत्ता में बैठे हुक्मरानों द्वारा रचा गया था। और कल वही तस्वीरें जो हैं वो राजधानी पटना में देखने के लिए मिली है, कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप जो है वो सम्राट चौधरी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्पष्ट रूप से कहते दिखाई दे रहे हैं कि आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और सदन के अंदर जिस तरीके से विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है, मार्शलों द्वारा बाहर कर दिया जा रहा है, यह भी जो है वो आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। एनडीए के तमाम नेता जो हैं वो इस वक्त फतुहा पहुंचे हैं और नम आंखों से श्रद्धांजलि जो है वो दे रहे हैं, मगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी गुस्सा जो है वो साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। और इस वक्त हम फतुहा के शमशान घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो पहुँचे हैं और कई सवाल जो है अब खड़े हो रहे हैं। आगे देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को लेकर के आवाज़ उठाती है। खैर, इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।